अपने यूट्यूब चैनल दे विच जिसका नाम है मित जिंदल। उम्मीद करदा कि तुहाडी मास्टर कार्डर की तैयारी है जो वधिया ढंग दे नाल चल रही होगी। अज की इस वीडियो दे विच गल करांगे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का सैकेंड ग्रेड टीचर का एक पेपर है जो 2013 दे विच होया सी। उहदा एक भाग 50 प्रश्नों का मैं अपलोड कर चुकिया। दूजे भाग दे विच करांगे 51 तो लैके 100 तक प्रश्न, क्योंकि उस पेपर दे विच 150 प्रश्न पूछे गए सी। यही सिलेबस है जो तुहाडे मास्टर कार्डर पंजाबी दे लई बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद करदा कि तुहानू इस पेपर तो बहुत हैल्प मिलेगी ते तुहाडी तैयारी है जो मास्टर कार्डर की वधिया ढंग दे नाल चल रही होगी। फिर तुसी इस वीडियो के अखीर दे विच कमेंट करके दस्सियो कि इन्हां 50 प्रश्नों के विचों तुहाडे किन्ने प्रश्न ने सही होए ने। तां एवरेज है जो इहदी उही 45 जां 46 प्रश्न तुहाडे सही होने चाहीदे ने, तां तुहाडी तैयारी है जो वधिया चल रही होगी। शुरू करदे हां जी। पहला प्रश्न 51वां प्रश्न है, भट्ठ नमाजां ते चिक्कड़ रोजे कलमे ते फिर गई स्याही, बुल्ले शाह सौ अंदरों मिलिया भुली फिरे लुकाई, बिच बुल्ले शाह ने सौ किसनू किया है, अध्यापक नूं परमात्मा नूं सरकार नूं जां अधिकारी नूं। सौ शब्द वरत्या गया दे विच, बुल्ले शाह सौ अंदरों मिले भुली फिरे लुकाई, भाव लोग भुले फिरदे ने। यह जिहड़ी सौ है परमात्मा अपने अंदरों ही मिलदा। तां सही उत्तर है जिहदा नंबर 2 परमात्मा। 52वां प्रश्न है जी, सो क्यों मंथा आख्या जित जम्मी राजान, किस गुरु जी की रचना है? ये तो पता ही है सारिआं नूं कि श्री गुरु नानक देव जी की रचना है। 53वां प्रश्न है जी, अगे बाबा शेख फरीद जी दे किन्ने शब्द ते श्लोक श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच दर्ज हन? प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न तो बिल्कुल सौखा जिहा है पर उलझा के पाया गया, क्योंकि ये विच आम तौर पर आप देखते हैं पहला शब्द पूछे जाते हैं बाबा फरीद जी के, उस तो बाद श्लोक पूछे श्लोक ने। तो ये पहला शब्द पूछे इन्होंने, आम तौर पर पहला श्लोक होंगे ने उस तो बाद शब्द होंगे ने। तो शब्द पहला आएंगे तो शब्द ने जी 4 ते श्लोक ने 112। तो काली काली दे विच तुसी उल्ट नहीं लगा देना, उत्तर ध्यान रखना जी। 4 शब्द ने, 2 राग आसा दे विच, 2 राग सूही दे विच, ते 112 श्लोक ने जो बाबा फरीद जी दे ने। 54वां प्रश्न है जी, अगे गुरु अर्जन देव जी ने श्री आदि ग्रंथ की संपादना कदों की? 1539, 1604, 1699, 1708। तो गुरु अर्जन देव जी ने श्री आदि ग्रंथ की संपादना की जी नंबर 2 1604 ईस्वी के। 55वां प्रश्न है जी, वेरी इंपोर्टेंट, भाई गुरदास जी ने किन्नी अध्यात्मिक वारा की रचना की? ये तो पता ही है सारे कि 39 वारा ने, 39 वारा ने जो भाई गुरदास जी दिया ने। नंबर 4 वाला ऑप्शन सही है जी। अगे जी 56वां प्रश्न है जी, गुरबाणी की कुंजी किसनों कहा गया है? किस की रचना गुरबाणी की कुंजी कहा गया है? गुरु नानक देव जी, गुरु अर्जन देव जी, गुरु गोबिंद सिंह जी, या भाई गुरदास जी? तो सही उत्तर है जी का भाई गुरदास जी। अगे जी 57वां प्रश्न है जी, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने जफरनामा किस मुगल बादशाह नूं लिखिया? तो प्यारे विद्यार्थी, अद्धे तो ज़्यादा क्वेश्चन इस जे ने कि ऑप्शन पढ़न की भी जरूरत नहीं हैगी। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो जफरनामा लिखा से, यह लिखा से जी आड़ा औरंगजेब नू। 58वां प्रश्न है जी, चंडी की वार किस की रचना है? यही रचना जी चंडी की वार गुरु गोबिंद सिंह जी की रचना है। 59वां प्रश्न है जी, अगे पंजाबी किस्सा काव्य का मोढ़ी किस नू मन्या जाता है? पीलू, वारस शाह, हाशम जां दमोदर? पंजाबी किस्सा काव्य का मोढ़ी यह मनिया जाता जी नंबर 4 दमोदर नू। 60वां प्रश्न है जी, अगे पीलू की शाहकार रचना का नाम दसो? तो पीलू की शाहकार रचना का नाम है जी नंबर 1 की पिया है मिर्जा साहिबा। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन मैं डिटेल के तैयार नहीं करवा रहा, क्योंकि अपनी सारी रिविजन है जो इस तो पहले हो चुकी है। सारे प्रश्न ने जो तुमने सिलेबस कराया है वो विचों ही आए हुए हैं। 61वां प्रश्न है जी, अगे राणा सूरत सिंह महाकाव्य की रचना किसने की? प्रोफेसर पूरन सिंह, भाई वीर सिंह जी, अमृता प्रीतम, या धनी राम चात्रिक? राणा सूरत सिंह महाकाव्य, इहदे बारे भी अपने भाई वीर सिंह जी वाले काव्य भाग के पढ़िया सी। भाई वीर सिंह जी की रचना है राणा सूरत सिंह। अगे जी 62वां प्रश्न है जी, छंद की हुंदा है? वर्णा की गिनती ते व्यौंत, मात्रावां की गिनती का वेरवा, कविता विच वर्णा ते मात्रावां की खास व्यौंत, जां उपरोक्त विचों कोई नहीं? तो जो छंद है जी इहदे नाल संबंधित भी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं अपलोड कर चुके हाँ। सही उत्तर है जी इहदा नंबर 3 कविता विच वर्णा ते मात्रा की खास व्यौंत, वो हुंदा जी छंद।
63वां प्रश्न है जी अगे गुरु गोबिंद सिंह जी की रचित चंडी की वार विच केड़ा प्रधान रस है जां प्रधान रस केड़ा है रुद्र रस शांत रस अद्भुत रस जां वीर रस ये है जी वीर रस। 64वां प्रश्न है जी कि ठम्मा शब्द का समानार्थक शब्द चुनो ठम्मा धीरज घबराहट चंचलता जां उपरोक्त विचों कोई नहीं ये हुंदा जी नंबर एक धीरज। 65वां प्रश्न है जी अगे मेरा बलाइती सफरनामा किस दा लिखिया होया है शरदा राम फिलोरी प्रिंसीपल तेजा सिंह लाल सिंह कमला अकाली जां बलराज साहनी मेरा वलायती सफरनामा ये लिखिया जी नंबर 3 लाल सिंह कमला अकाली का लिखा हुआ जी ये मेरा वलायती सफरनामा। 66वां प्रश्न है जी अगे आर सी स्वै जीवनी का रचैता कौन है ये पता ही है जी सारियां कि प्रिंसीपल तेजा सिंह जी ये रचनाकार ने उन्हां दी स्वै जीवनी है ये। 67वां प्रश्न है जी अगे अद चाननी रात किस दा नावल है जसवंत सिंह कंवल नानक सिंह गुरदयाल सिंह जां राम सरूप अनखी अद चाननी रात ये नावल है जी अपना गुरदयाल सिंह जी की रचना है। 68वां प्रश्न है जी पत्तन दी बेड़ी इकांगी किस दी रचना है ये भी पता है सारे नूं कि पत्तन दी बेड़ी है जो बलवंत गार्गी जी की रचना है 68वें 4। 69वां प्रश्न है जी अगे डॉक्टर हरिभजन सिंह नूं काव्य रचना उत्ते भारतीय साहित्य अकादमी का पुरस्कार कदों प्राप्त होया सी कि रचना सी जिहदे उपर उन्हां नूं भारतीय साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त होया सी डॉक्टर हरिभजन सिंह नूं यह होया सी जी नंबर 2 ना धुप्पे ना छावें काव्य संग्रह है उन्हां दा 1969 ईस्वी दे विच 1969 दे विच यह सम्मान प्राप्त होया सी उन्हां नूं लिख देना तुहाडे याद रहूगा 1969। 70वां प्रश्न है जी माटी कदम करेंदी यार वाहवा माटी दी गुलजार एक काफ़ी है जो किस दी रचना है ये हैगी है जी रचना बुले शाह जी की 70वें का पहला जी। 71वां प्रश्न है जी अगे हेठ लिखिया विचों केड़ा नावल गुरदयाल सिंह का लिखिया होया नावल दे नाम दिते हुए जी अनहोए चिट्टा लहू रंग दा पत्ता राणा सूरत सिंह गुरदयाल सिंह का नावल देखना जिहदे विच केड़ा गुरदयाल सिंह नावलिस्ट बारे भी आपां एक वीडियो दे विच कंप्लीट कर चुके हैं यह है जी नंबर 1 अनहोए। 72वां प्रश्न है जी अगे हवा विच लिखे हरफ किस कवि की रचना है सुरजीत पात्र डॉक्टर जगतार प्रीतम सिंह सफीर जां अमृता प्रीतम यह रचना जी हवा विच लिखे हरफ सुरजीत पात्र जी की रचना है। 73वां प्रश्न है जी खुले कुंड खुले मैदान खुले आसमानी रंग काव्य संग्रहां का रचैता कौन है पता ही है जी सारियां नूं खुल दा कवि प्रोफेसर पूरन सिंह सही उत्तर है जी दा। 74वां प्रश्न है जी अगे नावलकार नानक सिंह की स्वै जीवनी का की नाम है मेरी जीवन कहानी आप बीती मेरी दुनिया ज मेरिया कुछ इतिहासिक यादा तो नानक सिंह की स्वै जीवनी का नाम है जी मेरी दुनिया। 75वां प्रश्न है जी तूड़ी तंद सांभ हाड़ी बेच वट के लंबड़ा ते शाहां दा हिसाब कट के कच्छे मार वंजली आनंद छा गया मारदा दवामे जट मेले आ गया उपरोक्त काव्य पंक्तियां पूछा गया जी किस कवि की रचना ने ते इन्हां दे विच केड़ा छंद वरत्या गया है तो पता ही है कि एक रचना ने जो विसाखी का मेला कविता दियां सत्रां ने जो कि धनी राम चात्रिक की रचना ते कोरड़ा छंद दे विच है कोरड़ा छंद है जो एक वर्णिक छंद है कोरड़ा ते कवित दो वर्णिक छंद ने तो धनी राम चात्रिक कोरड़ा छंद। 76वां प्रश्न है जी अगे आधुनिक पंजाबी कविता का मोढ़ी कौन है यह ने जी भाई वीर सिंह जी तो प्यारे विद्यार्थियों जेकर तुहानूं प्रश्न आते भी ने तो ये तुहाडी रिविजन हो जाएगी। 77वां प्रश्न है जी अगे दुध का छप्पड़ किस कहानीकार की रचना है दुध का छप्पड़ ये है जी नंबर 1 कुलवंत सिंह विरक जी की रचना है। 78वां प्रश्न है जी अगे गुरदयाल सिंह के नावलों उत्ते किस उपभाषा का वधेरे प्रभाव है माझी पुआधी मलवई ज दुआबी ये है जी मलवई। 79वां प्रश्न है जी अगे अजीत कौर की लिखी हुई कहानी केड़ी इन्हां दे विचों रजाई तरक्की कोई एक सवार जां गुलवानो ये कहानी है जी गुलवानो है जो कि अजीत कौर जी की रचना है। 80वां प्रश्न है जी अगे गुरमुख सिंह मुसाफिर की लिखी हुई कहानी केड़ी है बागी दी धी धरती हेठला बल्द अंग संघ जां इन्हां विचों कोई नहीं
गुरमुख सिंह मुसाफिर है जी, नंबर एक बागी दी ती। 81वां प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों अगे, उम्मीद करदा कि यह प्रश्न थोड़ी बहुत हैल्प करनगे। कुल्फी कहानी किस दी लिखी हुई है? बड़ी फेमस हुई सी कहानी यह कुल्फी कहानी है, क्योंकि बाल मनोविज्ञान दे नाल संबंधित है जी, सुजान सिंह की रचना। 82वां प्रश्न है जी अगे, कांगड़े के लोक गीत का संपादक या लेखक कौन है? इन्हें जी डॉक्टर महेंद्र सिंह रंधावा। इन्हां दे बारे भी आपां जीवनी वाले भाग स्वै जीवनी वाले भाग दे विच पढ़ांगे, डिटेल दे विच तुहानूं सारिया चीज़ां दे बारे दसांगे। इस तों बाद स्वै जीवनी वाला भाग ही है जिहड़ा लैके आवांगे। 83वां प्रश्न है कि कोठे खड़क सिंह नावल किस दा लिखिया होया है? बहुत फेमस नावल है भी कोठे खड़क सिंह। यह प्रश्न तुहानूं तां सौखे लग रहे होणगे क्योंकि तुहाडी इन्हां दी तैयारी है जो वधिया ढंग दे नाल हो चुकी है, बहुत समा हो गया तैयारी करदे नूं, तां ही इह प्रश्न तुहानूं सौखे लग रहे ने। हाँ जी, कोठे खड़क सिंह नावल है जी, नंबर दो राम स्वरूप अनखी की रचना है। 84वां प्रश्न है जी अगे, मूँह आई बात ना रहिंदी है, रुक रुक के जीवा कहिंदी है, झूठ अखां तां कुछ बचदा है, सच अखियां भंबड़ बन मचदा है। ये जो सत्रां ने ये बुल्ले शाह दीआं सत्रां ने, बुल्ले शाह दी काफ़ी है, मूँह आई बात ना रहिंदी है। अगे जी 85वां प्रश्न है जी, ईश्वर चंद्र नंदा दे एकांगी संग्रह का नाम सोशल सर्कल हमजोली शोभा शक्ति जा मैं एक सरंगी हाँ। यह है जी ईश्वर चंद्र नंदा का एकांगी संग्रह है जो सोशल सर्कल। 86वां प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों अगे, शरदा राम फिलोरी का निबंध संग्रह किहड़ा है? नवियां सोचां, पंजाबी बातचीत, पंजाबी वाकबोध जां मलवई लोकगीत। यह है जी पंजाबी बातचीत, जो कि शरदा राम फिलोरी ने लिखा सी। एक होर निबंध संग्रह इन्हों का वो अंग्रेजों के राज की बिथ्या। 87वां प्रश्न है जगे, खुले लेख किस दी रचना है? पहला भी प्रश्न आ चुका है, खुले लेख खुले मैदान खुले लेख रचना यह है जी प्रोफेसर पूरन सिंह जी की। पहला इन्हों के काव्य संग्रह के बारे पूछा गया सी तिना दे। 88वां प्रश्न है जी, प्यार कब्जा कबड़ा की जगह दे, जज्जा जी हराड़े की जगह दे, प्यार कब्जा नहीं पहचान है, फलसफे नूं प्रचारित ते स्थापित करने वाले वार्तक लेखक का की नाम है? यह है जी गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी। 89वां प्रश्न है जी, सुंदरी नावल का लेखक कौन है? पते है जी, भाई वीर सिंह जी। 90वां प्रश्न है जी, छज विच पा के छटना मुहावरे का की अर्थ है? वड्याई करना, भंडना, खुशामद करनी जां इन्हां विचों कोई नहीं। इहदा अर्थ हुंदा जी छज विच पा के छंडना, भाव भंडना, भंडी करनी। 91वां प्रश्न है जी अगे, गोरखनाथ पंजाबी साहित्य इतिहास के किस कालखंड नाल संबंध रखता है? गुरमतकाल, मध्यकाल, पूर्व नानक काल जां आधुनिक काल। तां गोरखनाथ होया जो ये रखते ने जी पूर्व नानक काल दे नाल संबंधित, क्योंकि 8वीं-9वीं सदी के विच है जो यह जोगी आए सी। 92वां प्रश्न है जी अगे, गुरु ग्रंथ साहिब जी विच कुल किन्ने गुरुआं दी बाणी दर्ज है? इन्हें जी 6 गुरु साहिबान, श्री गुरु नानक देव जी, श्री गुरु अंगद देव जी, श्री गुरु अमरदास जी, श्री गुरु रामदास जी, श्री गुरु अर्जन देव जी, तो श्री गुरु तेग बहादुर जी। 6 गुरु साहिबान ने जी। 93वां प्रश्न है जी, गुरु ग्रंथ साहिब जी के सब तो वध किस गुरु की रचना संकलित है? इन्हें जी श्री गुरु अर्जन देव जी 5वें गुरु साहिबान होए ने, जिन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जां आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किया। 94वां प्रश्न है जी, सूफी काव्यधारा का संबंध किस धर्म के नाल है? यह भी पता है जी आपां नूं कि इस्लाम धर्म के नाल है। 95वां प्रश्न है जी अगे, सूफी काव्यधारा का संबंध किहड़ी सदी के नाल है? जिवें कि पता है कि बाबा फरीद जी सब तो पहले सूफी कवि होए ने, तो उन्हां दा जन्म होया सी जी 1173 ईस्वी के, तो हो गई जी 12वीं सदी। तो सूफी काव्यधारा का संबंध है जो 12वीं सदी के नाल अफरीजी वाले भाग के भी कर चुके हैं। 96वां प्रश्न है जी अगे, बाबा शेख फरीद, बाबा बुले शाह, शाह हुसैन, इन्हों इतिहासिक कालक्रम के अनुसार लिखना कि पहला किहड़े आए, उस तो बाद किहड़े आए, तो उस तो बाद किहड़े आए। तो इन्हों का सही कालक्रम है जी, बाबा शेख फरीद जी पहले नंबर पर, दूजे नंबर पर शाह हुसैन, तो तीजे नंबर पर आएंगे जी बुले शाह। 97वां प्रश्न है जी, गदरी कविता का संबंध किस काव्यधारा नाल है? गदरी कविता का संबंध रोमांटिक काव्यधारा, आदर्शवादी काव्यधारा, प्रगतिवाद नाल जुड़ी काव्यधारा या प्रयोगवादी काव्यधारा। तो गदरी कविता का संबंध है जी प्रगतिवादी काव्यधारा के नाल।
98वां प्रश्न है जी, पंजाबी दा श्रोमणी किस्साकार ये ने जी वारिश शाह जी। 99वां प्रश्न है जी, अगे दमोदर ने अपनी रचना हीर दा अंत किवें कीता, ये कीता जी सुखांतक। दमोदर ने जो हीर दी रचना लिखी सी उहदा अंत जो सुखांतक कीता। अखीरला प्रश्न है जी इस वीडियो दा, अगले 101 तो लैके 150 तक प्रश्न तीसरी वीडियो दे विच लैके आवांगे। पूरन भगत किस्सा किस किस्साकार दा वधेरे मकबूल होया है, किहड़े किस्साकार दा वधेरे किस्सा मकबूल होया है पूरन भगत दा, ये होया जी कादर यार दा। ये सी प्यारे विद्यार्थियों RPSC राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर 2013 दे विच होया सी, मास्टर कैडर दे लई बहुत ही महत्वपूर्ण है। दो भाग कर चुके आपां, तीसरे भाग दे विच जो 50 प्रश्न ने अगली वीडियो दे विच करांगे। उम्मीद करदा कि तुहानू इस पेपर तो बहुत मदद मिलेगी। चैनल के उपर जेकर तुसीं पहली बार आए हो तो चैनल में जरूर सबसक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, दोस्तों के नाल शेयर करना ना भुलो।